हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ रहे होंगे बेहतर तरीके से। लास्ट क्लास में पढ़ाई गई हुई चीजें आप लोगों को एकदम बेहतर याद होंगी और आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं, तो ये उसका अगला टॉपिक होगा। सभी विद्यार्थी, आज हम पढ़ने वाले एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले अभी सभी दोस्तों को, इष्ट मित्रों को शेयर कर दो, बता दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यह क्लास बहुत ज्यादा ही जरूरी है उन विद्यार्थियों के लिए जिनके लिए हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एक बहुत बड़ा बुरा सपना की जैसा है, जिन्हें इसके सवाल बनते नहीं है। आज हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इसके ऊपर में आते हैं, तो आज हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनाना भी सीखेंगे कि आखिर अगर इसके ऊपर सवाल आ जाए तो कैसे सवाल बनाएंगे हम इनको। ठीक है, ध्यान लगाइए, क्वेश्चन बनाएंगे इनको सभी विद्यार्थी, स्टार्ट हो जाइए। और आप सभी लोग को बता दिया जाए कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो हमें YouTube में देख रहे हैं, हमारी क्लास साथ ही साथ में डाउटनेट एप्लीकेशन पे भी चल रही है, एग्जैक्ट लाइव चल रही है। YouTube में 3-4-5 सेकंड पीछे हो सकती है, एग्जैक्ट लाइव चल रही है हमारे डाउटनेट एप्लीकेशन पे, और वहां पर आप जाकर हमारे क्वेश्चन का पॉपअप की सहायता से, इसके अलावा हमारे जितने भी आपके परेशानियां हैं, डाउट्स हैं, उनके भी सवाल आप वहां पर देख सकते हैं। तो अगर आप चाहें कि आपको इंटरेस्टिंग तरीके से स्टडी करनी हो तो आप हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी जिन्हें आज पढ़ना है, हम पढ़ेंगे आज हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। उससे पहले एक आध न्यूज आपके तक पहुंचा दी जाए। न्यूज कुछ ऐसी है कि हम, मतलब विक्रम सर की टीम जो है और पूरा विक्रम सर का चैनल अब नाउ इज अ पार्ट ऑफ डाउटनेट फैमिली। हम डाउटनेट फैमिली के साथ एसोसिएट हैं और इन्होंने लॉन्च किया है विजेता बैच, मतलब हम लोगों ने अब लॉन्च किया है विजेता बैच, जो कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं का हिंदी माध्यम का, हिंदी मीडियम का पूरा कोर्स आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। और ये कोर्स का स्टार्ट हुआ है अभी 15 सितंबर से, तो आप बहुत शार्प टाइमिंग में हैं। अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है और क्लासेस मिलना शुरू हुई हैं, तो आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और अभी से तुरंत, वर्कलोड मत बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आप 16 तारीख से ये बैच स्टार्ट हुई है, अभी पहला दूसरा चैप्टर ही चल रहा है, आप फटाफट ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो इसलिए आप इसे ज्वाइन करें। ये जो टीचर्स की टीम है जो आप लोगों को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश पढ़ाएगी, ये वो टीम है जिनको आप देख लीजिए और ये आपसे पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या मिलने वाला है? इसमें मिलने वाला है डाउट सॉल्विंग लेक्चर है, यहां पर आपको सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। आप जाकर वहां पर वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। टीचर्स की एक बेस्ट टीम मिलेगी आप लोगों को, क्लास नोट्स अवेलेबल रहेंगे आपको। इसके अलावा डेली होमवर्क दिया जाएगा जिससे आप अपनी और अच्छी तैयारी कर सकते हैं, मतलब एक ऑफलाइन मोड में जितनी चीजें और उससे बेहतर तरीके से आपको सब समझ में आएगा। इसमें से ऑफलाइन का बेहतर और ऑनलाइन का बेहतर दोनों का मिलाकर एक बेहतर बैच बनाई गई है, जहां पर टीचर्स की स्लाइड भी आपको मिलेगी। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है और आप लोगों ने अभी तक कहीं पर ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग तुरंत अभी इस नंबर पे कॉल करें। नंबर है 01241247158250। इस नंबर पे कॉल करें और कॉल करने के बाद आप इस नंबर से एनरोल कर लीजिए अपने आप को, नई बैच में जुड़ सकते हैं आप यहां पर। इस वीआईपी कोर्स का फायदा क्या है? इन कोर्स को कहा जाता है वीआईपी कोर्सेज, जहां पर आप पेड कोर्स की तरह काम चलेगा और इन्हें 2 टीचर्स एडवांटेजेस टीम होगी। एक टीचर आपको पढ़ाएंगे और एक टीचर इसके सारे डाउट आपके जो भी आ रहे होंगे, वो सारे डाउट एक अलग टीचर आपको सॉल्व कर रहे होंगे, तो वो टीचर जो डाउट सॉल्व कर रहे होंगे वो आप लोगों को एक बेहतर तरीके से सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे, और जो टीचर हैं वो आप लोगों को पढ़ाने का काम अलग से करेंगे। यहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी टीचर्स, लेकिन लाइव में आप लोगों का, जैसे मान लीजिए 5 बजे आपकी क्लास चल रही है तो डेली 5 बजे स्टार्ट होगी, तो 5 से 6 क्लास के बीच में डाउट आपका सॉल्व करवा दिया जाएगा। उस समय पे मेरी क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, मतलब मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, लेकिन जो डाउट सॉल्विंग टीम के टीचर हैं वो वहां पर अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, इस कोर्स में आप लोगों को टीचर्स नोट, स्लाइड, डेली होमवर्क, वीकली टेस्ट, ये सब चीजें भी आपको मिलेंगी। ठीक है, यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों की बैचेस हैं, आप जो भी चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस जो है, साइंस, मैथ, इंग्लिश सिलेबस सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको वहां पर पता चलेगा। वीडियो सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन, इसके अलावा रेफरेंसेस बुक के सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेंगे जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हम YouTube में क्लासेस चलेंगे ही चलेंगी, लेकिन साथ ही साथ में आपकी पेड कोर्स जो है और इसके अलावा हमारा जो ये फ्री क्लासेस है वो भी डाउटनेट एप्लीकेशन पे चल रहा है, तो आप चाहें तो वहां पर बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं।
ओके okay, तो यहां पर ये बात कंप्लीट हो गई। डाउटनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का एक और बेहतर फायदा है कि हर संडे लगभग कुछ ना कुछ टाइप के वीकली टेस्ट होते हैं, कुछ क्विज जनरेट होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, तो आप लोग बस उसे जुड़ जाइए और वहां के टेस्ट वगैरह देते रहिए। जो भी आप देते रहेंगे धीरे धीरे आप कहीं पर किसी एक स्कॉलरशिप में पहुंच जाएंगे, वो आपकी साल भर की हो सकता है फीस माफ हो जाए, हो सकता है आपको स्कॉलरशिप की अच्छी चीज की मिल जाए, नीट की फीस माफ हो जाए, तो बस वहां पर जुड़िए और एग्जाम देते रहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट वहां पर मिलेंगे और आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे बच्चे जो बीएससी ऐप थे वो सारे बच्चे आप धीरे धीरे हमारे ज्वाइन करने लगे हैं डाउटनेट एप्लीकेशन पे, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, तो जो भी है वो आप टेंशन ना ले उस पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे जरूरी पार्ट हार्डी विनबर प्रिंसिपल, एक जरूरी पॉइंट जो बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है और इसके ऊपर बिल्कुल सवाल बच्चे बना ही नहीं पाते, परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए आज हम हार्डी विनबर प्रिंसिपल को पूरा क्लियर करेंगे। इसके अलावा हार्डी विनबर प्रिंसिपल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो भी हम बात करने वाले हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित कारक जो होते हैं कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो भी आज हम पढ़ेंगे। तो देखा जाए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात हार्डी विनबर प्रिंसिपल। तो सबसे पहले इन साइंटिस्ट लोग के दर्शन करते हैं कि कौन थे वो ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स डालकर आपका रायता बिगाड़ दिया, आपका हाजमा बिगाड़ दिया, क्या हुआ था ऐसा। ये थे हार्डी साहब, ये थे विनबर साहब, इन दोनों ने मिलकर बायोलॉजी में मैथमेटिक्स डालने का पाप किया था। हालांकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल स्टडी है जहां पर आप बायोलॉजी की रिजल्ट को मैथमेटिक्स से जान सकते हैं। ठीक है, जहां पे आप जैसे जेनेटिक्स में हुआ था ना वैसे ही यहां पर भी होगा और आप मतलब जो पोषण जो होता है वो दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो अब पॉइंट आएगा कि हार्डी विनबर प्रिंसिपल पे हमें सबसे पहली चीज क्या मिली। हार्डी विनबर प्रिंसिपल पे हमें सबसे पहली चीज ये मिली कि हमें बायोलॉजी में जेनेटिक्स का जो रिजल्ट आएगा वो हम निकालेंगे मैथमेटिक्स से। क्या कहा था इन्होंने, हार्डी विनबर साहब ने कहा था कि अगर एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का जीन, उनकी आवृत्तियां हमेशा एक रहती हैं, समझिएगा मेरी बात को। हार्डी विनबर सिद्धांत कहता है कि एक जीव संख्या में, एक जीव संख्या आसपास प्रेजेंट है उसमें एलील या युग्म विकल्पियों की आवृत्ति, युग्म विकल्पियों की आवृत्ति उसके लोकेशन या उनका जो लोकेशन लोकस जिसे अपन कहते हैं स्थल में सुस्थिर होती है, उसका लोकेशन फिक्स है, वो लोकेशन हमेशा फिक्स रहेगा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर जाता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर जाता रहता है। पहली बात इनकी कहनी थी। एग्जाम्पल के लिए अभी यहां पर देखते हैं, मान लो ये क्रोमोजोम है, ठीक है, ये एक्स क्रोमोजोम है, ये भी एक्स क्रोमोजोम है, इसके किसी विशेष एक भाग में, उम्मीद है आपको पता होगा क्रोमोजोम के किसी एक विशेष भाग में कोई युग्म विकल्पी है, मान लीजिए कैपिटल ए और यहां पर कैपिटल ए है, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट है मान लीजिए स्मॉल ए और यहां पर प्रेजेंट है स्मॉल ए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अब ये मान लीजिए प्रथम पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी में चले जाओ, दूसरी पीढ़ी में ये एक्स क्रोमोजोम है, इसका ए अभी भी वहीं पर रहेगा और इसका स्मॉल ए अभी भी वहीं पर रहेगा। इनका ये कहना था कि अगर कोई जीन, कोई युग्म विकल्पी, कोई एलील्स किसी विशेष लोकेशन पे प्रेजेंट है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसी जगह पर रहेगा, उसकी आवृत्तियां हमेशा समान रहेंगी। ये पहली बात थी, हार्डी विनबर साहब का ये कहना था। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, यस नो कमेंट करके फटाफट मुझे बताएंगे कि यदि किसी जीन में, किसी भी डीएनए में, क्रोमोजोम में किसी विशेष जगह पर कोई एलील उपस्थित है तो उसका स्थिति को हम लोकेशन लोकस कहते हैं, जीन का एक विशेष स्थान को हम लोकस कहते हैं और वो लोकस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एज इट इज ट्रांसफर होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। इसके बाद एक पॉइंट आता है जीन कोश, जिसे हम कहते हैं जीन पूल, ये लाइन याद रखना, एक जीन पूल, कुछ जीव संख्या, मान लेते हैं आसपास एक विशेष प्रकार की जनसंख्या निवास करती है, कुछ जीव संख्या में जितने भी जीन है और उनके युग्म विकल्पी सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं। यहां पर एक साइंटिस्ट ने एक बात और कही कि यदि एक छोटी सी लोकेशन पे हम देख लें, एक बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं जो आपस में ही क्रॉस करते हैं, उनके पाए जाने वाले जीन को हम जीन पूल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूं आप लोगों को बात, मेरी बात हमेशा समझिएगा। क्या होगा यहां पर,
ये बात ध्यान पे रखिएगा, मैंने क्या कहा, अगर मान लेते हैं एक लिमिटेड एक छोटी सी ने प्रजाति मान ली, इस प्रजाति में हमें एक प्रजाति में जितने भी प्रकार के जीन हैं, मान लेते हैं ये कैपिटल ए कैपिटल वाला है, ये भी कैपिटल ए कैपिटल है, ये कैपिटल ए कैपिटल है, इतने सारे कैपिटल ए वाले ही हैं, ठीक है, ये भी कैपिटल ए है, ये भी कैपिटल ए है, ये एक प्रकार का जीन हुआ कैपिटल ए कैपिटल ए, ये भी कैपिटल ए है। अब मान लो ये कैपिटल ए स्मॉल ए वाला है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये सब बने हुए हैं स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इन्होंने ये कहा कि अगर मैं देखूं एक छोटी सी प्रजाति है, अगर एक छोटी सी प्रजाति है उसमें पाए जाने वाले जीन और उनके आपस में जो भी आवृत्तियां बनेंगी वो सब हमेशा समान रहता है, वो चेंज नहीं होता, हमेशा समान रहता है, इसे हम कहते हैं आनुवांशिक संतुलन कहते हैं, और ये सभी एलील की आवृत्तियां एक होती हैं, इन सब की आवृत्तियां एक होती हैं। एक मिनट दीजिए, सारी बात मैं आपको समझा दूंगा, यस ये पॉइंट यहां पर मिलेगा। अगले पॉइंट पे, तो हार्डी विनबर साहब ने समझाया भाई साहब कि डीएनए हमेशा एक ही लोकेशन पे रहता है तो उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, अगर किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजाति में देखा जाए तो उसके सभी जीन समान रहते हैं। एग्जांपल देखते हैं यहां पर, चलो तो मान लेते हैं ये यहां पर प्रेजेंट है कैपिटल स्मॉल ए और यहां पर प्रेजेंट है कैपिटल ए, ठीक है। अब सभी डीएनए में या तो कैपिटल ए है या तो स्मॉल ए है, एक विशेष प्रजाति में या तो इनका संबंध आएगा कैपिटल ए, या तो आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और या तो आएगा स्मॉल ए स्मॉल ए। इन तीनों के अलावा क्या कोई नई आवृत्ति पैदा हो सकती है, क्या कोई नया प्रकार का जीन आ सकता है? यह कहना था हार्डी विनबर साहब का कि नहीं भाई, या तो कैपिटल ए कैपिटल रहेंगे, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए, या तो स्मॉल ए स्मॉल ए, इन तीनों के अलावा नया जीन प्रवेश नहीं करेगा, नया जीन प्रवेश नहीं करेगा। और जब तक नहीं करेगा इसका मतलब क्या है कि ये साम्यावस्था में है, ये किस अवस्था में है, साम्यावस्था में है, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, और इसे हम कहते हैं कि स्थिर अवस्था में है। जब यहां पर हम समझते हैं कि अगर जीन, देखो भाई ये दो ही एलील है, कैपिटल ए हो या तो स्मॉल ए हो, या तो कैपिटल ए कैपिटल हो सकता है, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए, या तो स्मॉल ए स्मॉल ए हो सकता है, इसके अलावा नया जीन कोई आएगा क्या? नहीं आ रहा है हार्डी विनबर के अनुसार, फिर हम बाद में देखेंगे कैसे आएगा वो। तो ये एलील होता है। अब इसे समझाने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन का सहारा लिया, एक फॉर्मूला बनाया। मान लेते हैं ये जीन में यहां पर एक कैपिटल ए प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बेटा, कैपिटल ए प्रेजेंट है, एक जीन मान लेते हैं एलील्स है कैपिटल ए प्रेजेंट है, और दूसरा जीन वहीं पर है उसका भी मान लेते हैं यहां पर स्मॉल ए प्रेजेंट है। ये दो प्रकार के जीन दिखाई दे रहे हैं, दो प्रकार के एलील्स दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। यहां पर हमने कैपिटल ए को मान लिया पी और स्मॉल ए को मान लिया क्यू, ये फॉर्मूला बना दिए पी प्लस क्यू। इन्होंने हार्डी विनबर साहब ने कहा कि यदि कैपिटल ए और स्मॉल ए केवल दो ही जीन है बेटा, यही दो एलील हैं, इन तीनों के अलावा तीसरा कोई एलील है ही नहीं, एलील या तो प्रभावी है या तो प्रभावी नहीं है, या तो प्रभावी है या तो प्रभावी नहीं है। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए को अगर हम देखते हैं तो यहां पर ये एलील याद रखना है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए की अगर फ्रीक्वेंसी देखी जाए ऑलवेज इक्वल्स टू वन, इनकी आवृत्ति जो है वो हमेशा एक रहेगी, एक का मतलब होता है एकदम हमेशा बराबर, कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, ए और कैपिटल ए स्मॉल ए के बीच की जो आवृत्ति है वो हमेशा एक रहेगी, ये पहली बात हो गई। मान लेते हैं इस बात को मान भी लिए, तो इस बात को प्रूफ करने के लिए इन्होंने अब दूसरी पीढ़ी का सहारा लिया। जब हम दूसरी पीढ़ी के सहारे पे आते हैं तो कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल्स टू वन मतलब होता है पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू वन, कैपिटल ए का मान होता है पी, स्मॉल ए का मान होता है क्यू, और दोनों को मिलाकर देते हो वो भी वन हो गया। अब मान लेते हैं कि दोनों तरफ में हम स्क्वायर कर देते हैं, तो p प्लस क्यू का मान लो मैंने यहां पर होल स्क्वायर कर दिया, यहां पे 1 का स्क्वायर कर दिया। जब उस जीन को हमने बहुत ज्यादा मिक्सचर किया तब भी हमें क्या मिला, हमें मिला p का स्क्वायर 2pq, और प्लस यहां पे मिला यहां पर q का स्क्वायर, ये होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमने ये देखा कि a जो डोमिनेंट था एक डोमिनेंट जीन हो सकता है, और या तो स्मॉल ए या तो अप्रभावी, मतलब इसे अपन कहते हैं रिसेसिव, अप्रभावी मतलब क्या होता है बेटा, ये रिसेसिव हो सकता है। तो
तो जीन दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो प्रभावी या तो अप्रभावी। तो अगर मान लीजिए प्रभावी है तो भी और अप्रभावी है तब भी दोनों द्वितीय पीढ़ी में भी एक बराबर ही रहेंगे। पी स्क्वायर का क्या मतलब है? पी मतलब ए होता है और पी का स्क्वायर मतलब है कैपिटल ए, कैपिटल ए मतलब ये है प्रभावी समयुग्मजी। ये क्या है बेटा? प्रभावी समयुग्मजी है ये पी का स्क्वायर। प्लस 2PQ क्या है? 2PQ का मतलब है ये है विषम युग्मजी। ये क्या है? विषम युग्मजी। ऐसे ही लक्षण मिलते हैं, हा या ना? और क्यू स्क्वायर का मतलब होता है स्मॉल ए और स्मॉल ए। क्यू रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? स्मॉल ए को। जब उसका स्क्वायर हमने किया तो ये स्मॉल ए को प्रदर्शित कर रहा है और ये है सम युग्मजी, युग्मजी अप्रभावी। ये क्या है? सम युग्मजी अप्रभावी। तो हमने ये बात देखी भाई कि प्रथम पीढ़ी में p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 था। जब हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया तो p प्लस क्यू, p रिप्रेजेंट कर रहा है a को, कैपिटल a को, और q रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल a को। तो कैपिटल p जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका स्क्वायर हमने दोनों का कर दिया, p की घात हमने की तो p का स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q का स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये a प्लस b का फॉर्मूला याद होगा, मुझे याद नहीं है भाई, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता। समझ में आई मेरी बात? तो अगर p प्लस q का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें तीन प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, p का स्क्वायर, 2p का स्क्वायर, q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर हम देखें तो कैपिटल A जो है वो प्रभावी समयुग्मजी है। p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रभावी समयुग्मजी को। p q किसको प्रदर्शित कर रहा है? p मींस कैपिटल A, q मतलब स्मॉल a, विषम युग्मजी बन गए ये लोग। और अगर q को बस हम देखें तो वो विषम युग्मजी समयुग्मजी है, अप्रभावी को प्रदर्शित कर रहा है। ये पहले फॉर्मूला समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका तीन घात कर दूं, हालांकि मुझे फॉर्मूला नहीं पता है लेकिन याद रखना, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो तीन घात भी कर सकते हो। अगर तीन घात भी कर दिए तब भी आपको पता होना चाहिए आंसर वन ही आएगा। अब एक बात बताओ कि इस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले प्रक्रियाओं में या तो पी रहेगा या तो क्यू रहेगा, या तो कैपिटल ए रहेगा या तो स्मॉल ए रहेगा। इसके अलावा कोई नया जीन प्रवेश करेगा ही नहीं, तो जब प्रवेश करेगा ही नहीं तो नई प्रकार की आवृत्तियां आएंगी ही नहीं, और नई प्रकार की आवृत्तियां नहीं आएंगी तो यह सीधी सी बात यहां पर आता है कि यह निश्चित है, साम्यावस्था में है, यह साम्यावस्था में। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, ये कहानियां समझ में आ गई होगी कि यह इनका नियम था, यह इनका नियम था। ठीक है, इस नियम को अब आगे बढ़ते हैं कि इस नियम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे। हार्डी-विन्बर्ग साहब सटीक आदमी थे। हार्डी-विन्बर्ग साहब को बिल्कुल पता था कि मेरा नियम गलत साबित हो सकता है, कि डीएनए हमेशा समान रहे ऐसा हो नहीं सकता। तो इन्होंने कह दिया कि मेरी जो स्थिति है उसे प्रभावित करने वाले चार पांच कारक हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो चार पांच कारक थे उनमें से सबसे पहला कारक है जीन पलायन। कह दिया भाई साहब कि अगर जीन पलायन होगा, जीन पलायन होगा तो मेरा नियम प्रभावित होगा। अभी हम इसे डिटेल करते हैं, जीन पलायन क्या है। आनुवांशिक विचलन होगा तो भी मेरा डीएनए, मेरा नियम जो है प्रभावित होगा, यह हार्डी-विन्बर्ग साहब ने कहा। अगर उत्परिवर्तन होगा तो भी मेरी साम्यावस्था का नियम प्रभावित होगा। आनुवांशिक पुनर्योगेज मतलब रिकॉम्बिनेशन होगा तब भी मेरा नियम प्रभावित होगा। और प्राकृतिक वरण होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा तब भी मेरा नियम प्रभावित करेगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात यहां पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बॉस, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर सारी बात समझ में आ रही है ना? एकदम सिंपल है भाई, यहां पर तो मैथमेटिक्स है यार, अब इसमें मेरे से ज्यादा मत पूछ लेना तुम लोग। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट समझ लो, मैंने बता दिया जीन एक है जीन दो है, दोनों एलील कहलाते हैं, सेम जगह पे है ना, एक बार कैपिटल ए की स्मॉल ए, एलील कहलाते हैं। इनकी आवृत्ति कब कौन आ सकता है, कैपिटल और स्मॉल ए के बीच का क्या रिलेशन है, कब कब कैपिटल ए कैपिटल आएगा, कब कब स्मॉल ए आएगा, ये बताने को हमने P प्लस Q का फॉर्मूला लिया। अभी फॉर्मूला बनाएंगे और समझ में आपको आएगा। तो हमने ये पांच प्रक्रियाएं की और इन पांच पॉइंट पे कह दिया भाई कि ये लोग प्रभावित करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कैसे प्रभावित करता है, सबसे पहला पॉइंट आता है जीन फ्लो मतलब जीन का पलायन। जीन फ्लो और जीन पलायन का मतलब यह होता है कि मान लेते हैं कोई एक जो एक नया प्रकार का प्रजाति है, यहां पर मान लेते हैं नीले बर्ड है और यहां पर पहाड़ के उस पार जो है लाल बर्ड है। ठीक है, वहां पर लाल है और यहां पर क्या है, नीला है। अब नीला बर्ड जो है इनमें से अगर मान लेते हैं किसी भी कारण से वो वहां ट्रांसफर हो गया, एग्जांपल के लिए इससे अगर वो उधर की तरफ में ट्रांसफर हो गया तो
ये पॉपुलेशन ए है, ये पॉपुलेशन बी है, ये पॉपुलेशन ए है, वो पॉपुलेशन बी है। अब ये पॉपुलेशन ए जो है, अगर इनमें से कोई जीन उधर चला गया तो वहां के जीन में चेंज थोड़ा बहुत आएगा, और आपस में ये दोनों क्रॉस कर ले, बताओ तो क्या नया चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो जीन पलायन का मतलब होता है यही बेटा, यदि कोई, आप लिख सकते हैं इसमें, अब इसको समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल पॉइंट ये जीन पलायन कि यदि कोई जीव जिसके पास में डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए हो, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाए, दूसरी प्रजातियों में एंटर कर जाए, तो वहां के जीन का पलायन हो गया, यहां से जीन वहां ट्रांसफर कर गया, इमाइग्रेट कर गया, नीला उधर चला जाए, लाल इधर आ जाए, किसी भी तरह अगर ये चेंजेस आता है तो ये चेंजेस याद रखना है आपको, ये जीन फ्लो कहलाएगा। इसकी वजह से साम्यावस्था का नियम प्रभावित होगा और वो एक की जगह कुछ और नियम आएगा। दूसरे नियम में आते हैं, एक और पॉइंट है जेनेटिकल ड्रिफ्ट, आनुवांशिक विचलन। आनुवांशिक विचलन का मतलब ये होता है कि मान लो ये बहुत इफेक्ट बड़ा काम करता है, फाउंडर साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, फाउंडर इफेक्ट कहलाता है। आनुवांशिक विचलन क्या है, मान लेते हैं किसी विशेष क्षेत्र में इतने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक डीएनए जो होता है किसी आयरलैंड में पहुंच गया, ठीक है, आयरलैंड में पहुंच गया, वहां जाकर उसका डीएनए वहां पर बढ़ने लग गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर ऐसे बहुत सारी टाइप की प्रजातियां थी, अब इस प्रजातियों में इतने बादों में इतने लोगों का डेथ हो गया, किसी कारण से इस प्रजाति का डेथ हो गया, अब बचा सिर्फ इतना पॉपुलेशन, तो ये जो इतना बचा हुआ पॉपुलेशन है वो क्या कहलाएगा बेटा, इनका आनुवांशिक विचलन हो गया। क्या हो गया, आनुवांशिक विचलन हो गया। इसमें से बहुत सारे भाग थे, लाल वाला भाग किसी विशेष क्षेत्र में चला गया, वहां ट्रांसफर हो गया, आनुवांशिक विचलन करवाएगा। अब सीधी सी बात है, अगर मान लो कैपिटल ए जो है वो हरा भाग, हरा ये बना रहा था, कैपिटल ए स्मॉल ए मान लेते हैं कि ये जो है पीला बना रहा था, पीला मेढक बना रहा था, और स्मॉल ए जो होता है ये थोड़ा सा जो ब्राउन कलर का है इस प्रकार का बना रहा था। अब ब्राउन कलर वाले सारे मर गए, इसका मतलब यह है कि स्मॉल ए वाले की संख्या बहुत कम हो गई, स्मॉल ए वाले की संख्या बहुत कम हो गई, और यदि ऐसा हो पाएगा उसे हम कहते हैं आनुवांशिक विचलन। डायग्राम में आपके दिख रहा है, एनसीईआरटी उसे समझा नहीं पाती उतना बेहतर तरीके से, मैंने डायग्राम में दिखा के आपको समझाया है, डेफिनेशन खुद बनाना। किसी विशेष एक जनसंख्या में यदि कोई विशेष प्रकार की आबादी वहां से चली जाए, ट्रांसफर हो जाए, मर जाए, किसी भी कारण से हो जाए, तो किसी भी कारण से अगर वो चला जाता है तो उतनी आबादी खत्म हो गई, यह भी साम्यावस्था को प्रभावित करेगा। और जो जीन प्रवाह है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, यदि किसी एक आबादी से दूसरी आबादी में कोई इंसान चला जाता है तो वहां पर भी इन्वेड हो जाता है, वहां पर भी इमाइग्रेशन हो जाता है, प्रवाह बढ़ जाता है और यहां का डीएनए वहां पहुंच गया। तीसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं, इसके बाद बेटा म्यूटेशन। सभी लोग जानते हैं कि म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन डीएनए, डीएनए में ही कोई परिवर्तन हो जाए। अब डीएनए ही बदल गया तब कहां रह गया हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, भाई यहां पर कैपिटल ए था, यहां पर स्मॉल ए था, हटा दिया स्मॉल ए को, मैंने काट दिया, कुछ और जोड़ दिया, ए प्लस जोड़ दिया, वहां पर नया डीएनए आ गया वो, तो इसकी वजह से भी साम्यावस्था प्रभावित होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल प्रभावित होगी भाई साहब। पॉइंट बना बना के पढ़ लो, डायग्राम एक्सप्लेन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देख लो। यहां पर मान लो एक प्रजाति थी, म्यूटेशन चेंज हुआ, म्यूटेशन के बाद धीरे धीरे यहां पर कोई एक आबादी नई नई बदलती गई, ये म्यूटेशन, यह भी हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को प्रभावित करेगा। नया पॉइंट रिकॉम्बिनेशन, ठीक है म्यूटेशन नहीं हुआ तो नया कॉम्बिनेशन बन गया, भाई अगर डीएनए ऐसा होना चाहिए तो हमें बढ़िया था, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल ए बी सी, हम मान के चलते थे कि साम्यावस्था बढ़िया जीवन बीत जाएगा। ये दोनों आपस में क्रॉस कर गए, क्रॉस करने के बाद इसका कैपिटल ए इसका कैपिटल बी जो है ये चेंज कर गया, देख लो भाई यहां पर आ गया स्मॉल सी, यहां पर आ गया कैपिटल सी, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो यहां पर होना चाहिए था कैपिटल सी, यहां होना चाहिए था स्मॉल सी, चेंज हो गया। अब डीएनए ही अपने आप को बदल ले तो क्या करेगा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कुछ करेगा। अरे चंदन टंडन जी एक आध बार मेरी वीडियो को देखो यार, वहां पर समझ में आएगा। जीनोटाइप मतलब जीन का टाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए कैपिटल ए, ये जो हो गया जीनोटाइप, और उनके जो लक्षण है उन्हें हम कहते हैं फिनोटाइप, उन्हें हम क्या कहते हैं फिनोटाइप, जो दिखाई देता है। मान लो अगर कैपिटल ए कैपिटल है और कैपिटल ए और स्मॉल ए,
ये दोनों के दो प्रकार के जीन दिखाई दे रहे हैं ना, ये जीनोटाइप हो गया। और दोनों के दोनों जो होते हैं, मान लो अगर दोनों के दोनों लंबे हैं, ये दोनों के दोनों लंबे हैं, तो ये इनका हो गया फिनोटाइप, ऐसा होता है। ठीक है, तो जितने प्रकार के जीन है वो जीनोटाइप है, और जितने प्रकार का फिजिकल अपीयरेंस है, जितने प्रकार के लक्षण है, वो उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। तो ये है जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये पॉइंट सब कर लेते। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं शिवांगी मौर्य, यहां पर ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में जेनेटिक्स और आपका पूरा ये पार्ट समझ में नहीं आने वाला, डेफिनेटली बता रहा हूं मैं। इसलिए इस टॉपिक को सिंपलीफाई वे में समझने की कोशिश करो, तब जाके ये टॉपिक बनेगा। इसलिए अगर एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ये टॉपिक नहीं समझ, पूरा हार्डी नंबर क्या विकास ही पूरा समझ नहीं आएगा आपको। एवोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट पता नहीं एनसीईआरटी ने क्यों पूरा एकदम उसका झोल कर रखा है, क्या लिख दिया है पता ही नहीं है। तो इसलिए आपको इस वीडियो की बहुत आवश्यकता होगी, और बहुत सारे बच्चों से पूछो, देखो विकास समझ आया नहीं आया, आज समझाते, देखना वीडियो फिर, समझ आई मेरी बात। आगे पॉइंट पे आते हैं, अगला पॉइंट है अंकित जी, यहां पर विक्रम ऐप क्लासेस पे ही मेरी सारी वीडियो मिलेगी, आप उसे डाउनलोड मतलब देख लीजिए और ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। डिलीट हुआ है रिया तमता जी, ये हुई है सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्थ के लिए, मैं पढ़ा रहा हूं आपको नीट के लिए, आप परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, यहां पर ये टॉपिक आप लोगों को यहां पर मिलेगा। आगे पॉइंट करते हैं, ये पूछा जाता है बेटा कि याद रखना फाउंडर इफेक्ट किस में आता है, फाउंडर इफेक्ट अनुवांशिक विचलन की वजह से आता है, डायग्राम देख लो। रिकॉम्बिनेशन, डीएनए ही बदल गया, भाई थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली बस समझा रहा हूं पॉइंट बना के, क्योंकि इसका थ्योरी कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो ये पॉइंट, ये पर पॉइंट है कि अब जो है यहां पर जेनेटिकली चेंज हो गया, कहां से साम्यावस्था रहेगी भाई, सीधे से बात बताओ, मैंने यहां पर डाला था कैपिटल ए मान लो रखा था, अब उसको हटा दो कोई और नया डाल दो, साम्यावस्था रह जाएगी क्या? तो हार्डी विनबर साहब इसको जानते थे कि ये सब परेशानी आ सकती है, इसलिए चार पॉइंट को लगता है। अब एक चीज जो और बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आती है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो चारों को एक बार फिर समझाता हूं, साम्यावस्था होती है बेटा, और साम्यावस्था को हमें मेंटेन रखना है, मेंटेन नहीं रह पाता ये पांच कारकों से, जीन पलायन, जीन एक जगह से दूसरी जगह चला जाए तो भी प्रभावित होगा, आनुवांशिक विचलन किसी विशेष प्रकार की प्रजातियां मरने लग जाए तो भी होने लग जाएगा, बाकी म्यूटेशन और अनुवांशिक पुनर्संयोजन तो मुझे लगता है एकदम 110% समझ में आ जाता है, क्योंकि हमने इसे बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है इन कारणों से भी। लेकिन ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये टॉपिक आपको, ये दोनों है ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी प्रभावित करता है। अब आगे देखते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, जिसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, हम क्या कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ये भी प्रभावित करता है भाई, ये भी प्रभावित करता है, ये भी फिक्स नहीं रहने देता। अब इसके पीछे क्या रीजन है आइए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मैं समझता हूं 90% बच्चों को ये डायग्राम समझ में नहीं आता कि एनसीईआरटी ने क्यों बना रखा है, 90% बच्चों को एनसीईआरटी का ये डायग्राम समझ में नहीं आता। हाँ एग्जैक्टली पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन ही होगा, ये हार्डी विनबर साहब का कहना था, लेकिन ये पांच छह कारक जो मैं आपको बता रहा हूं ये उसे मिक्स कर देते हैं। अब P प्लस Q की जगह मान लो कैपिटल A स्मॉल A की जगह, अब मान लो वहां पर आ जाए C, तो पूरा विचलन हो गया ना, पूरा परेशानी आ गया, तो ये टॉपिक जो है आपको यहां पर परेशानी हो जाती है। चलिए अब लास्ट पॉइंट आते हैं, अब लास्ट पॉइंट पे आता है ये डायग्राम जो क्या बताता है, ये नेचुरल सिलेक्शन को प्रदर्शित करेगा। ये तीन प्रकार के ग्राफ हैं, ये क्या बताते हैं अभी थोड़ा देर इंतजार करो सब समझा दूंगा। ये विशेष प्रकार का ग्राफ है, ये इस ग्राफ को हम कहते हैं, पहला ग्राफ इसमें जो बदला उसे अपन स्थायीकरण का ग्राफ कहते हैं, दूसरा ग्राफ जो है इसे अपन दिशात्मक ग्राफ कहते हैं, और तीसरा पॉइंट आता है जिसे अपन कहते हैं विदारक ग्राफ। एनसीईआरटी सिर्फ डायग्राम बनाकर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है तो बच्चे इसे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसके ऊपर एक एक एग्जांपल हम लेकर आए हैं, बस उसे दो मिनट पढ़ना, अपने आप सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, हमने ग्राफ बनाया इस तरीके से, मान लेते हैं ये इसकी सबसे ऊपरी प्रजाति है जहां पर इसका पीक है, अब इसको ऐसा थोड़ा डैश करके बनाते हैं, ये इसका पीक है। ठीक है, इसका केस आता है सबसे पहला जो ग्राफ है उसे अपन कहते हैं स्टेबलाइजेशन ग्राफ, मतलब स्थायीकरण का ग्राफ। ये स्थायीकरण का ग्राफ क्या होता है, स्थायीकरण का ग्राफ जिसे हम कहते हैं, इसका एकदम सिंपल सा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया का केस है, समझना मेरी बात को, सिकल सेल एनीमिया का केस है, का केस इन मलेरियल एटमॉस्फेयर। मान लेते हैं किसी एक विशेष क्षेत्र में, ऐसा थोड़ा सा एक ट्रिक लिख लेना यहां पर कि सिकल एक विशेष क्षेत्र में
मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूं इसका, विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में जहां पर, जहां सिकल सेल एनीमिया है, क्या है, सिकल सेल एनीमिया है, वहां फैला है मलेरिया, मान लेते हैं वहां मलेरिया फैल गया, तो क्या केस बनेगा, मलेरिया फैला, ये केस है हमारा। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को अभी तक ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जिन पेशेंट्स को सिकल सेल एनीमिया होता है उन्हें मलेरिया होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। तो एक पॉपुलेशन है जहां पर स्थायीकरण का ग्राफ हमें पढ़ना है। अब स्थायीकरण के ग्राफ में हमें क्या क्या चीज पता चलेगी देखना है, ठीक है भाई। एक माहौल था जहां पर ग्राफ में ऊपर की तरफ में यहां देखना, ये पॉपुलेशन है वो लोग की जो सामान्य इंसान है, जो सामान्य, उस पॉपुलेशन में दो प्रकार के लोग दिखाई दिए, सामान्य मनुष्य दिखाई दिए एक, और एक इंसान वो थे जिन्हें सिकल सेल एनीमिया था, तो सिकल सेल एनीमिया की वजह से इनका एक ग्राफ यहां पर दिखाई दिया, तो ये लोग बेचारे थोड़ा कमजोर थे। ये दूसरा ग्राफ जो दिखाई दे रहा है ये सामान्य मनुष्यों की लाइन है, और ये दूसरी लाइन जो दिखाई दे रही है ये दिखाई दे रही है आप लोगों को सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति का। तो अभी तक सिकल सेल एनीमिया से व्यक्ति जो पीड़ित थे वो बेचारे यहां पर प्रेजेंट थे, और जिन्हें मनुष्य था, मनुष्य जो थे सामान्य मनुष्य थे। अभी सामान्य मनुष्य ज्यादा है, थोड़ी देर में यहां पर आ गया बेटा मलेरिया। अब जब मलेरिया आ जाता है ना, तो सिकल सेल एनीमिया वाले केस वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह से बच जाते हैं। जो सिकल सेल एनीमिया वाले केस वाले होते हैं वो बच जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया में उनकी आकृति बदल जाती है और उन्हें मलेरिया प्लाज्मोडियम अंदर इन्वेड नहीं कर पाता। याद रखना इस बात को कि जिसे सिकल सेल एनीमिया है उसे मलेरिया नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, तब हमें यह ग्राफ ये होगा कि धीरे धीरे बेटा जो सामान्य मनुष्य है वो मलेरिया से मर जाएंगे, जो सामान्य मनुष्य है वो मलेरिया से मर जाएंगे, और सिकल सेल एनीमिया वाला जो कि पेशेंट होता है बेचारा वो धीरे धीरे अब यहां पर जिंदा रह लेगा। तो इस तरह से ये जो पहला ग्राफ दिखाई दे रहा है कि बीच का शिखर और ऊंचा होता जाता है, स्टेबलाइजेशन का ग्राफ, ये सिकल सेल एनीमिया का ग्राफ है जहां पर अब सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट आपको ज्यादा दिखाई देंगे। तो ग्राफ जहां कम था अब ग्राफ ऊपर पहुंच गया, यहां पर सिकल सेल एनीमिया वाले थे और यहां पर आ गए, जो छोटा सा ग्राफ दिखाई दिया वो हुआ मलेरिया का ग्राफ। समझ में आई मेरी बात यहां पर? तो सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट थे और सामान्य मनुष्य ज्यादा मात्रा में थे, लेकिन अब ये ग्राफ जो है सिकल सेल एनीमिया वालों का पीक ज्यादा हो गया, उन्हें स्थायीकरण ज्यादा मिल रहा है, ये पहला ग्राफ स्टेबलाइजेशन का ग्राफ कहलाता है। ये इस बात को बताने की कोशिश की है। दूसरा पार्ट आता है डायरेक्शनल ग्राफ बेटा। डायरेक्शनल ग्राफ में इंडस्ट्रियल मेलिज्म पढ़ाया था कि एक था सफेद पतंगा, सफेद पतंगा था, और दूसरा पतंगा जो हुआ करता था वो था वहां पर काला या ग्रे कलर का, जिसे अपन मानते हैं काला। फिर से ग्राफ बनाइए, वही ग्राफ फिर से बनाना पड़ेगा। यहां पर क्या होता है, सबसे पहले एक ग्राफ था जिसे इंडस्ट्रियल मेलिज्म में हम कहते हैं, सबसे पहले यहां पर सफेद पतंगा था। क्यों बेटा? सफेद पतंगा था, और यहां पर जो काला पतंगा था उसकी आकृति कम थी। काला पतंगा जो था वो, क्योंकि यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, लाइकेन जिंदा था, उम्मीद है अभी तक आपको याद होगा, उम्मीद है अभी तक याद होगा, सफेद पतंगा सफेद जीवित था। इसके बाद हो गया बेटा यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां पर होगा तो अब याद रखना काले पतंगे के दिन आ गए, और काला पतंगा अपने आप को ज्यादा जिंदा रख लेगा, काला पतंगा की वो जो एज है वो काला पतंगा वाला ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रदूषण की वजह से सफेद पतंगा नहीं रह पाता। तो ग्राफ जो पहले सफेद पतंगे को जिंदा रखा हुआ था, अब वो ग्राफ शिफ्ट हो गया राइट पतंगे की तरफ में, और जब ये ग्राफ राइट पतंगे की तरफ में, मतलब काले पतंगे की तरफ में गया, तो इस ग्राफ को हम कहते हैं यहां पर, इसे हम कहते हैं दिशात्मक ग्राफ। आखिर ये ग्राफ जो इधर था वो शिफ्ट हो गया, एक विशेष दिशा में चला गया, यहां पर शिखर ऊंचा हो गया, सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट और ज्यादा मिलने लग गया। सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट जो होता है वो आगे मिल गया। बताएंगे थोड़ा सा बेटा यहां पर, क्या नाम है, वर्षा सिंह, थोड़ा सा रुकिए ना, अभी टॉपिक को हम लोग नहीं पहुंचे वहां पर, ठीक है, थोड़ा सा रुको, अभी यहां पर कंप्लीट कर लेने दो, फिर हम लोग वहां पे पहुंचेंगे। आखिरी में बता दूंगा, सुन लो ये पार्ट।
ठीक है। तो पहला ग्राफ बेटा स्टेबलाइजेशन का ग्राफ यह बताता है कि आखिर कैसे सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट जो पहले मर रहे थे वो अब और ज्यादा उनकी जीने की स्थिति बन गई, वो हम पढ़ेंगे यहां पर। दूसरी स्थिति में कैसे काला पतंगा अब सफेद पतंगे के में ग्राफ में कन्वर्ट हो गया, काला पतंगा जैसे पहले इनकी परिस्थितियां खराब थी, शिकारी इनका शिकार कर लेते थे, लेकिन अब सफेद पतंगे का शिकार ज्यादा होने लग गया, तो ग्राफ सफेद से काले की तरफ में बदल गया, इसे अपन स्टेबल डायरेक्शनल ग्राफ कहते हैं। तीसरा होता है डिस्ट्रप्टिव ग्राफ, इसे हम कहते हैं विदारक, इसे हम कहते हैं विदारक। ये तीसरा ग्राफ क्या बताना चाहता है? तीसरा होता है बेटा, स्नेल दो प्रकार के होते हैं याद रखना, एक तो होता है काला और एक होता है सफेद। काला सफेद, कालावकरण के कारण होता है कैपिटल बी कैपिटल बी, सफेद होता है स्मॉल बी की वजह से, और एक होता है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये कलर जो होता है वो होगा हमेशा थोड़ा सा बीच वाला, ब्राउन टाइप का होगा, थोड़ा सा भूरा, ठीक है। अब मजे की बात ये है कि जो काला ग्राफ है, ठीक है, काला ग्राफ था तो पहले क्या होता है यहां पर कि काला जो है वो मतलब काली जो रेत होती है वो याद रखना समुद्री रेत होती है, ठीक है, समुद्री रेत जो होता है वो वहां पर रह लिया, वो काला है, समंदर में रह लेगा, पत्थर में, चट्टानों में रह लेगा। सफेद वाला जो है वो नदी में रह लेता है, नदी में स्नेल में रह लेता है वो, ठीक है। लेकिन स्मॉल बी वे बेचारा बेचारा ना समुद्र में काली रेत होती है, ये पॉइंट याद रखना, काला रेत होगा और यह नदी में जो है पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो सफेद होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना कि काले जो बैकग्राउंड होगा, काला बैकग्राउंड होगा वहां पर काला वाला अपने आप को जिंदा रख लेगा, और सफेद वाला जहां पर होगा वो सफेद वाला जिंदा रख लेगा। बीच वाले का क्या होगा बेचारे का? ग्राफ देखते हैं, ये था यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां पर था इस कैपिटल बी और यहां पर था स्मॉल बी। पहले क्या परिस्थिति थी? दोनों कहीं पर भी जिंदा रह लेते थे बेचारे, काला वाला भी जिंदा, काला वाला कम संख्या में था, सफेद वाला कम संख्या में था, और ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी था ये खूब ज्यादा संख्या में था, ठीक है। यहां पर ये पूरा प्रोसेस यहां पर मिल जाएगा। लेकिन अब सफेद वाला जो ब्राउन वाला है बेटा, यहां पर याद रखना ब्राउन की संख्या कम हो जाएगी। जब ब्राउन की संख्या यहां पर कम हो जाएगी तो क्या होगा? जब ब्राउन की संख्या यहां पर कम हो जाएगी तो यह पॉइंट याद रखना कि जो इसकी संख्या है, कैपिटल बी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल बी काला वाला किसी जगह पे अपने आप को बचा लेगा, जो सफेद वाला है वो भी अपने आप को बचा लेगा, लेकिन जो कैपिटल बी और स्मॉल बी है इसकी संख्या कम हो जाएगी तो ग्राफ बीच से दो भागों में बढ़ जाएगा। इसे डिस्ट्रप्टिव वीडियो कहते हैं, इसे डिस्ट्रप्टिव पॉइंट कहते हैं। यह पार्ट है विदारक वाला पार्ट। तो अब तीनों में देख लीजिए, इस डायग्राम को देख लो भाई, यह सिकल सेल एनीमिया इन मलेरियल केस में आता है, यह पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल मैलिजन, सफेद पतंगा वाला पार्ट आ जाएगा, सफेद पतंगा वाला पार्ट, और यह एग्जाम्पल है स्नेल का अलग अलग जगह पर रहने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहां पर? हाँ या ना? सभी विद्यार्थी मुझे बताएंगे ये ग्राफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। ग्राफ बहुत सिंपल है भाई, आखिर कैसे नेचुरल सिलेक्शन में पहले एक आबादी ज्यादा थी, अब ये जो आबादी है वो आगे की तरफ में बढ़ गई, कैसे? सबसे पहले ये दो पॉइंट याद रखना कि दोनों अपने अपने जगह पे कंडीशन में सेम थे, दोनों अपने अपने कंडीशन में सेम थे, सामान्य मनुष्य भी जिंदा रहता था, सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट भी रहता था। लेकिन जैसे ही याद रखना यहां पर परेशानी हुई तो ये मलेरिया वाला केस में जो है यहां पर सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट का संख्या बढ़ गया, सिकल सेल एनीमिया वाले अब जिंदा रहेंगे लेकिन ये नहीं मरेगा। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ये पॉइंट कि आखिर ये तीन ग्राफ अपने आप में क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये 12th का ही है भाई प्रदीप लोधी, कोई दिक्कत की बात नहीं, नीट और वहां पर दोनों बात समझ में आएगी। तो ये था हमारे हार्डी विनबर प्रिंसिपल के बारे में कहानी। सभी विद्यार्थी यस और नो फटाफट जवाब देंगे कि क्या सबसे सही जवाब है सिकल सेल एनीमिया के ऊपर में। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया कि आखिर क्या होता है हार्डी विनबर प्रिंसिपल? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यस नीट में आएगा रिया, ये एकदम नीट में आएगा, एकदम कहानी हो जाएगा यहां पर, ठीक है। पॉइंट आप लोगों को बनना चाहिए, दोबारा वीडियो देखना मेरी एक बार और आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल बन जाएगा।
दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों, जैसे ही दोबारा आप देखेंगे आपको सब बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, बहुत सारा मन लगाओ, थोड़ी सी शिद्दत दिखाओ और थोड़ा सा प्यार दिखाओ मेरे लिए। इतना चीज जहां दिखाओगे चैप्टर अपने आप समझ में आने लग जाएगा ये टॉपिक क्या है। जिसे पतंगा वाला पार्ट होगा, जिसे पतंगा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उन्हें बाकी टॉपिक भी बन जाएंगे कि भाई वो क्यों खा पी रहा है आपको नहीं पता है क्या। फिर से वीडियो देखो मेरा, सारी चीजें देख के नहीं आते हो, कभी कभार आती है, आते हैं क्या आप लोग? डेली आइए इसमें। अरे डॉक्टर विनीता आपको यहां पर ये बात समझ नहीं कब क्यों खा गया। अरे भाई एकदम सिंपल सी बात है, ये डायग्राम में मैं आपको पतंगा वाला केस याद है कि पहले काला वाला पतंगा कम था, सफेद पतंगा ज्यादा था, कब? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिफोर मतलब औद्योगिकरण, औद्योगिकीकरण से पहले यह जो है वहां का बैकग्राउंड में लाइकेन था, कुछ याद आ रहा है? इंडस्ट्रियल मैलिज्म पढ़ाया था, औद्योगिक अतिकृष्णता जिसे हम कहते हैं, बैकग्राउंड में लाइकेन था, लाइकेन था सफेद, पतंगा भी सफेद, अच्छा जिंदा रह लेता था, बढ़िया। लेकिन हो गया औद्योगिकीकरण, हो गया बेटा यहां पर औद्योगिकीकरण होने के बाद क्या हुआ कि पतंगा जो है वो वहां से लाइकेन चला गया, लाइकेन गया तो अब बैकग्राउंड कैसा हो गया? काला। अब पतंगा कैसा हो गया? सफेद। अब जो मतलब जो शिकारी थे वो सफेद पतंगा को खाने लग गए। तो पहले का माहौल औद्योगिकीकरण से पहले बैकग्राउंड सफेद था, तो सफेद लोगों का जो पतंगा था वो ज्यादा था, काले पतंगे को लोग खा जाते थे। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो प्रदूषण की वजह से बैकग्राउंड वाला जो लाइकेन था जो सफेद कलर रखता था वो खत्म हो गया, ठीक है? तो इतना यही तो बात है ना। तो इसकी वजह से औद्योगिकीकरण की वजह से ये जो काला वाला है अब जिंदा रहने लग गया। क्यों? क्योंकि काला वाले का बैकग्राउंड जो है वो काला था तो ये भी काला छिप गया। शिकारी मतलब जो इन्हें मतलब ये पॉइंट जो भी इनके पक्षी होते हैं जो पतंगों को खाते हैं, चील है, बाज है, कौवा है, बहुत सारे होते हैं, वो इन्हें अब नहीं खा पाएंगे, वो इन्हें अब नहीं खा पाएंगे उस इलाके में। तो काले वाले छुप जाएंगे और सफेद वाला जो है कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? लाइकेन वायु प्रदूषण में नहीं पाया जाता, यस। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वायु प्रदूषण हो गया। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को यह समझ आ गया होगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएंगे, उम्मीद है सभी लोगों को यह समझ में आ गया होगा, ठीक है? समझ में आया है? जिन्हें भी आया है बहुत बधाइयां, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सभी चीजों को याद रखना। रिवीजन हमने किया है आज टॉपिक का, हमने पढ़ा है आज हार्डी विनबर प्रिंसिपल को। हार्डी विनबर प्रिंसिपल बहुत जरूरी प्रिंसिपल है और बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए इसे पढ़ लेना। बाकी जब हम नीट के लिए और डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो नीट में ज्यादा आता है हम उसके बारे में फिर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल सिलेक्शन हुआ इसलिए, हाँ सब में नेचुरल सिलेक्शन हुआ ना भाई, इनमें सब में नेचुरल सिलेक्शन हुआ, तो नेचुरल सिलेक्शन के कारण भी डीएनए का ये कोई भाग कम हो गया, उसका कोई भाग कम हो गया, ये भी हार्डी विनबर प्रिंसिपल को प्रभावित करता था। तो हमने हार्डी विनबर प्रिंसिपल पढ़ा और आपको हार्डी विनबर प्रिंसिपल के प्रभावित करने कारक पढ़े। तो इसमें था जीन प्रवाह, जीन पलायन, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी बातें हम लोगों ने आज पढ़ी है। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। पहला सवाल सभी लोग सही जवाब देंगे और डाउटनेट के विद्यार्थी भी सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। विच वन इज अ राइट आंसर, एक सवाल है आपके सामने। हार्डी विनबर प्रिंस के अनुसार जीन कोश में अलील की आवृत्ति कितनी होती है? किसी विशेष एलील की आवृत्ति कितनी होती है? क्या एक होती है पूरी आवृत्ति, जीरो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? विच वन इज अ राइट आंसर आपके सामने है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। डाउटनेट के विद्यार्थी सिर्फ पॉपअप में ए बी सी डी टिक करेंगे और यूट्यूब के विद्यार्थी अपने कमेंट में मुझे सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या सही जवाब है? क्या सही जवाब है? एक सेकंड से ज्यादा नहीं देना चाहिए, फिर भी मैंने 5 सेकंड दे दिया। आइए देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चों ने मेरा सही जवाब दिया है। आइए ऑप्शन में क्या आंसर है।
66% बच्चों ने कहा है कि यहां पर ए सही जवाब है. ऑफ कोर्स वन इज द राइट ऑप्शन. यूट्यूब में बच्चों ने क्या कहा है, ए इज द राइट ऑप्शन. ऑफ कोर्स ए इज राइट ऑप्शन. ये याद रखना सबसे बड़ी बात है, नीट में पूछा जा चुका है बेटा, जिन्हें याद रहेगा वो बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने, आज हमने पढ़ा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, इसके प्रभावित करने वाले कारक. उम्मीद है सभी चीजें आप लोगों को याद रहेंगी और टॉपिक बना रहेगा. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन कि आखिर दुनिया में वो एक कोशिकीय जीव से लेकर आज तक का जो जीवन है उसे मैं लाइन बाय लाइन एक फ्लो चार्ट बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसका नाम है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन. मतलब विकास का एक संक्षिप्त विवरण दूंगा कि आखिर एक कोशिका के बाद से या जितने भी डायनासोर ये जो लोग बने हैं एक कोशिका से आज मनुष्य तक, मैमल्स तक बनने के पीछे क्या रीजन है. कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास मतलब और इंटरेस्टिंग होने वाली है. सभी दोस्तों से कहना बिल्कुल स्टार्ट करें या ज्वाइन करें. थैंक यू सो मच. अपना ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करो. बताओ कि क्लास इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन्हें हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल समझ नहीं आया वो ये वीडियो को जरूर देखे. थैंक यू सो मच. बाय बाय, मिलते नेक्स्ट क्लास में.